श्रेय नहीं जीवा जररे ओडिया अस्मिता को उपेक्षा ओडिया परिचय धजिया उड़ाइला विजु जनता दल पाइक स्मारकी को नहीं शंख दल हीन राजनीति बीजेपी कहिला शांत गुमास्ता चक्रांत दुर्भाग्यजनक ओडिशार आंचलिक दल बीजेडी ओडिया अस्मिता को सर्वाधिक गुरुत्व देवा कथा ही दल किंतु ओडिया अस्मिता और स्वाभिमान प्रतीक पाइक स्मारकी को नहीं हीन राजनीति करने को दल पछाऊना दल स्मारकी निर्माण हेले श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को चली सेतिपाई जाणीशुणी विलंब कराउथिबा अभियोग करिछि बीजेपी एने राज्य सरकार को ऊपर वर्षिछंती ब्रह्मगिरी विधायक तथा बक्सी जगबंधु वंशधर ललितेन्दु विद्याधर महापात्र कहिछंती पाइक स्मारकी निर्माण कराइ न देबापाई चक्रांत करुछि बीजेडी आगामी विधानसभा अधिवेशन में प्रसंग उठा जिबो पाइक विद्रोह स्मारकी को न करवाई बीजेडी जो राजनीतिक गुमास्त एवं सरकारी सांत जो चक्रांत जो षड्यंत्र कर तथ्य रखा चाहे उन्नीस मसीह तेईस मसीह पर्यंत ट्रिवियल इश्यूज को लेकिन केतेबेले गच्छ केतेबेले इलेक्ट्रिक एवली करिकी माने जमी हस्तांतर करूनाहंती एवं सेमानकर पराजय आगामी चौबीस निर्वाचन रे सुनिश्चित बोली से जानी सारे जाणी सारिकी लोक विभ्रांत करने भोटर्स मानक माइंड को उलट पलट करने से भली गोटे चक्रांतमूलक कार्य करोटा कि सफल हेना शुक्रवार बरुणई पाददेश निर्माण होगा पाइक स्मारकी स्थल परिदर्शन कर वरिष्ठ अधिकारी केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आलोचना करते पाइक स्मारकी केन्द्र संस्कृति मंत्रालय सबू सहयोग करने को प्रस्तुत ता बेले ओडिया जातिर गौरव को आगे नेबाक समस्त सहयोग आवश्यक बोली केन्द्रमंत्री तेबे ने बीजेडी प्रश्न करिथिला तीन जन केन्द्रमंत्री और आठ जन बीजेपी सांसद अछंती हेले काहेकि पाइक संग्राम को प्रथम स्वाधीनता संग्राम मान्यता पई संसद रे दाबी उठाई नहंती यार कड़ा जवाब देथिले केन्द्रमंत्री कहिथिले जहारा मुखे लज्जा नहीं तांकु मु कोन कहिबे एटा गोटे ओडिया जातिर स्वाभिमान अस्मिता आ गोटे गौरव प्रतीक एटा तो गोटे कारखाना नुहे किंबा एटा गोटे रास्ता किंवा रेल लाइन प्रकल्प नुहे तापर भी सबु नियम को भारत सरकार का संस्कृति विभाग मानवाई प्रस्तुत ये पाइक विद्रोह प्रसंग विजु जनता दल रु आरंभ हो राजनीतिक दल ये प्रसंग को केबे उठे न थिले साढ़े तीन वर्ष पले जमी खंडे भी मिली बने तो प्रसंग हम ही हम सीना तो कष्ट हो विषय तू कौन कह गोटे आमर रवींद्रनाथ ठाकुर गोटे उक्ति अच्छी जार मुख्य लज्जा नहीं ताके आमे डरी ओडिया स्वाभिमान अस्मितार स्मारकी पई बरुणई पहाड़ तले पाइक वीरबक्सी जगबंधु विशालकाय प्रतिमूर्ति स्थापनर परिकल्पना करा जायछि एथिपई 2019 डिसेंबर 8 रे पूर्वतन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पाइक स्मारकी पई भित्तिप्रस्तर स्थापन करथिले सेतबेले पेट्रोलियम मंत्री थिबा धर्मेन्द्र प्रधान उद्यम रे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्मारकी निर्माण पई 100 कोटी टंका सहायता करिथिला राज्य सरकार मागणा जमी देवाकु कहिथिले तीन वर्ष पर 2022 डिसेंबर रे इंडियन ऑयल फाउंडेशन को 9.5 एकर जमी हस्तांतर कले राज्य सरकार 2023 एप्रिल 5 रे भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय जुग्म सचिव खोर्धा जिलापाल और डीएफओं मध्य एने बैठक होता एवं उपयुक्त स्थानु वृक्ष स्थानातरण होद्युत तार हटाई निष्पत्ति 2023 मे 12 रे पुनर्बार केंद्र संस्कृति मंत्रालय सचिव ओडिशार मुख्य शासन सचिव को प्रस्तावित प्रकल्प स्थानु वृक्ष स्थानातरण करने विद्युत तार हटाई चिठी करते विलंब होवर मे 24 रे पुणी केंद्र संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी मुख्यमंत्री को एने चिठी लिखि तथापि प्रक्रिया विलंब होवर उद्वेग प्रकाश कर पाइक संगठन मुख्यमंत्री प्रथम प्रधानमंत्री उपस्थित रे आईआईटी अरुगुली रे कहिले आमे मागणारे जमी जगे देबू समस्त सहयोग करिबू पुनराय मध्य सही कथा दोहरैले राष्ट्रपति कोविंद जी को पाखरे पाइक स्मारकी जगारे ए कथा मुख्यमंत्री कहिला परे जदि काम न होई पारिबो ता माने आमे जानचू कोठी ना कोठी मुख्यमंत्री कथा रे पाखरे कथा पहुंचिया को बोधे अटक हो जाउची जोति पे कामटा आगे पारनी निजो छुरी तंटी काटिबो तले कोन करिबा ए होचे ए होचे इतिहास रे विडंबना जत्ते बेले अन्य माने आम इतिहास को मसीलिप्त करुथिले एवं जेतेबेले आमे से सत्य इतिहास को अछपा इतिहास को छपा इतिहास रे परिणत करिबा पई सकल प्रकार संघर्ष चली छि सेतेबेले ए जो टाळ टुळ नीति
ଏ ଯେଉଁ ପରସ୍ପର କାଦୁଅ ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି ଶ୍ରେୟ କାଙ୍ଗାଳ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ତାହା ଏକ ଚରମ ଇତିହାସର ବିଡ଼ମ୍ବନା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ପାଇକ ବିପ୍ଳବର ଦ୍ୱିଶତ ବାର୍ଷିକ ପାଳନ ପାଇଁ 2017 କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବରାଦ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ଜେଟ୍ଲୀ। ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ପାଇକ କ୍ରାନ୍ତିର 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। 2017 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପାଇକ ବୀର ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୌରବ ସୂଚକ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ପାଇକ ସ୍ମାରକୀକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୁଣ୍ଠା କାହିଁକି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ, ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।